और काफी जंपों के साथ। और ये हम कितने कितने हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और क्या आप देख सकते हैं आज हम आ गए हैं ट्रिप के वीडियो के साथ। कब से मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार ट्रिप की वीडियो आएगी, तो फाइनली आज आ गई है। माइकल और मैं जा रहे हैं, ट्रेवर ने भी आना था लेकिन उसको कोई काम पड़ गया था ज़रूरी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम ट्रिप करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। और यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और जो लोग नए चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी यार निकलते हैं हम तो ट्रिप के लिए, काफ़ी लंबी रोड ट्रिप आने वाली है। यहाँ से हम जाएंगे हाईवे पर, और हाईवे पर से ही ये सारा चक्कर, तो यहाँ तक हमें जाना है। ये सारी काफ़ी बड़ी रोड ट्रिप है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबी रोड ट्रिप है, तो यहीं पर हमें जाना है। और ये सारा रास्ता हम इसी से नहीं ड्राइव करेंगे, मतलब कार पर नहीं ड्राइव किया जा सकता, क्योंकि अगर ऑफ रोडिंग वाली जो जगह है पर वो ऐसी ऑफ रोडिंग है, वहाँ पर गाड़ी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जा तो सकती है लेकिन काफ़ी खतरा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं खुद नहीं लेके जाऊँगा उधर गाड़ी। और यहाँ से अभी हम जाएंगे हाईवे पर, और हाईवे से फिर आगे सारा हम रास्ता तय करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आप लोगों ने मुझे एक और बात भी बतानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारा रास्ता कार पर नहीं तय होगा, तो इसलिए आगे हम होंडा 125 उधर खड़ा होगा हमारे लिए, तो उस पर आगे हम जाएंगे। तो यही बात आप लोगों ने मुझे बतानी है कि आज की ट्रिप तो देखें आप लोगों ने गाड़ी पर है, लेकिन अगले ट्रिप आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि बाइक पर करें, मतलब कि बाइक पर ही सारा रास्ते पर जाएंगे और सब कुछ बाइक पर ही होगा, बाइक के थ्रू ही हम जितना दूर भी जाना पड़ा हम जाएंगे। वो पीछे से सुना था, ये मेरी गलती है। तो देखो खैर, और ये और अभी गाइस शुक्र है गेम में तो वेदर ठीक है, और टाइम मैं बता देता हूँ आप लोग को। वैसे गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन तो नहीं यूज़ करना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, 4:00 मतलब 4:45 हो गए हैं तकरीबन। अभी हम बीच वाली साइड से जा रहे हैं, मतलब बीच से जा रहे हैं, आगे फिर हम ऊपर हो जाएंगे, इधर से ही चले या फिर। तो यार हमें वापस जाना है, हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, वापस इसलिए जाना ताकि हम हाईवे से ही चले जाएँ, सीधा सीधा रास्ता बने, वरना आगे से फिर गलियों से ही है, मतलब जो छोटी गली, यहाँ से जाने में काफ़ी मतलब अजीब सा फील होगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से अब हम इधर से जा रहे हैं। फिर शाम हो गई है, मैं फिर भी रात का सफर ही होगा आगे। क्या देखते हैं क्या क्या हमें बीच में मुश्किल आती है, या तो हम आराम से पहुँचेंगे या बीच में रास्ते में टायर पंचर या कोई गाड़ी वगैरह का कोई मसला बन जाएगा, ये हो सकता है। तो इसलिए उम्मीद काफ़ी अलग रहे कि हम खैर करके अच्छे तो आराम से खून से पहुँच जाएँ। और ये कमेंट करके आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि अगली जो ट्रिप है वो हम होंडा 125 पे करें या नहीं, ये आप लोगों ने ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अभी बताओ बल्कि यार जाओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि होंडा 125 पे रोड ट्रिप की जाए या नहीं, क्योंकि गाड़ी पर तो हो गई लेकिन अब अगली ट्रिप जो है वो होंडा 125 पर होगी, तो इसलिए आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना। की खैर चलो। ओके गाइस, तो काफ़ी टाइम से हम सफ़र कर रहे हैं, मतलब काफ़ी देर हो गई है, 1-2 घंटे गुजर गए हैं, और अभी यार बारिश शुरू हो गई है, तो हमारा ख्याल है कि हम कहीं पर रुक जाएं ताकि टायर स्लिप होने की वजह से या शीशे पर फॉग वगैरह पड़ने की वजह से ये हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमारा तो यही इरादा है कि अभी कहीं रुक जाएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ तक हमारा ख्याल, क्योंकि
खैर थोड़ी देर लेट पहुंचे हैं, ये कि चीज़ वगैरह हो जाती है, और जब बारिश वगैरह रुकेगी तब हम चल पड़ेंगे। और गाड़ी के अंदर ही हमें बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा कोई मूड नहीं है कहीं पर जाने का अंदर। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you. तो भैया जी अब रुक गया थोड़ी सी बारिश और अभी हम निकलने लगे हैं। अभी रुकी है, बाकी आप लोगों ने टाइम लैप्स देखी है। और यदि ये पहले मेरी ट्रिप है जिस जो मतलब पहली वीडियो है जिस जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा थोड़ी अच्छी होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आने लगेगी, क्योंकि पहले ट्रिप की वीडियो है मेरी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा खास बनेगी। ये एक तरह का समझो व्लॉग है, जैसे कि मतलब आप लोगों ने देखा टाइम लैप्स बीच में और ये सब कुछ, ये ऐसे समझ लो एक तरह का व्लॉग है। तो यही सीन है और इंशाल्लाह अगली बार जब मैं ट्रिप करूँगा तो वो देखने में आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। शायद आज वीडियो आ जाए या फिर कल, आज या कल के दौरान आ जाएगी, कोई पता, आज रात को आ जाए, कुछ फाइनल नहीं है उसका, क्योंकि जब टाइम मिला फिर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अपनी ट्रिप जो है हम मॉडिफाई करें या फिर नहीं। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the. तो स्पीड ये कोई हम 120 तक रखेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा स्पीडोमीटर है इस पर ज़्यादा स्पीड बताता है पर होती है इसमें कम है, तो यही बात है। और सुबह तक के इंशाल्लाह हम हो जाएंगे क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी 9 बज रहे हैं तकरीबन, तो सुबह तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। उम्मीद काफ़ी है क्योंकि अभी भी सफ़र काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, अब देखो किस टाइम तक पहुँचती हैं हम। और उधर जाकर मैं आप लोग को जो हमने अपना बनवाया है घर वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और किस जगह पर बनवाया है वो भी आप लोगों को देखने, क्योंकि यार काफ़ी अखीर जगह है, मतलब के मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप लोगों को देखना वीडियो को, इसलिए मैं कह रहा था लास्ट तक देखो क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा सही है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को कैसी लगी, मैं थोड़ी बहुत ही आप लोगों ने थंबनेल में देखी होगी पर बाकी जो सारी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो तो एक तरह का हमारा न्यू घर है जो हमने नया घर लिया, तो गाइस नाइट कल रात से ड्राइव कर करके अब जाकर हम तकरीबन पहुंचे हैं उस जगह पर जहाँ से आके हमें बाइक पर जाना है। और ये रहा वो रास्ता, काफ़ी यार वैसे मुश्किल हुई है, मतलब सारी रात ड्राइव किया है और खैर इस ट्रिप के बाद आराम से कौन से 2-3 दिन आराम करेगा फ्रैंकलिन। और देख सकते हो कितना अजीब रास्ता है, साइड से गाड़ी लगती है सारी और हमें फर्स्ट पर्सन में चलानी पड़ेगी ताकि आगे से भी सारा पता चलेगा कि लग तो नहीं रही, पीछे से फिर आगे का पता नहीं चलता, जैसे अभी थोड़ा सा साइड पर लग गई होगी मुझे लग। ओके ओ ओ माय गॉड, आराम से जाना है गाइस। तो यहाँ तक ही था हमारा गाड़ी का सफर, अब उतरते हैं। ये देख सकते हो गाइस यहीं तक था हमारा गाड़ी का सफर सारी रात ड्राइव करने के बाद, अब तकरीबन 7 बज रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर। यहाँ तक ही क्यों था गाड़ी का सफर, पहले गाड़ी को लॉक कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ। ओके तो गाड़ी को लॉक कर लिया, अब हमें जाना है अपनी आगे से पकड़ना है हमें 125 और उसके बाद आगे का रास्ता हमारा वहाँ पर होगा। 125 इधर ही कहीं था,
यही कहीं रखा था, आगे हो गया शायद थोड़ा सा। मतलब हमारे एक फ्रेंड था जिसने फ्रेंड से लिया, बस यहाँ पर हमने कर लिया, वो भी आप लोगों को दिखाना था, तो वो फ्रेंड से लिया और उसने यहाँ पर बाइक भी हमें दी थी। खैर हम बाइक को उठाते हैं और आ जाओ माइकल भैया। मैंने खैर शर्ट चेंज कर लिया और हेलमेट डाल लो भाई, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेफ्टी ज़रूरी है। और अब आप लोग अगर रास्ता देखते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं इधर गाड़ी ले आया, देख सकते हो इस जगह पर गाड़ी कहाँ चलती, और सबसे बढ़कर ऐसी जगह पर तो गाड़ी का जाना काफ़ी मुश्किल है, देख सकते हो। और साइड पर ये लकड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं जिसकी वजह से तो गाड़ी साइड पर लगनी भी थी सारी और ख़राब हो जाती मतलब सारी, तो इसलिए ये हमें ज़्यादा तरीका बेटर लगा। और अब हम सुकून से जा रहे हैं, सुकून से अभी भी नहीं जा रहे, नीचे देख सकते हो मतलब थोड़ा सा भी मुड़े तो गए। मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ सही तरीके से, ये देख सकते हो वहाँ से आगे नीचे गिरने का बहुत खतरा है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि ये देख सकते हो इतनी ज़्यादा जगह से अब हम आहिस्ता आराम से पहुँच जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा जगह से कैसे गिरेंगे, आराम से पहुँच जाते हैं यार, कोई ज़्यादा भगाने की बात नहीं है। 40-50 रखेंगे हम यहाँ पर, जितनी की ज़रूरत पड़ी। ओके तो यहाँ से मोड़ लेना, यहाँ से तो गाड़ी मोड़ ही नहीं सकती थी, देख सकते हैं यहाँ से कैसे मोड़ती गाड़ी, बाइक तो चलो अभी यहाँ से गुजार ली लेकिन गाड़ी कब मोड़ना नामुमकिन था। वैसे ये जगह पैदल जाने के लिए मतलब वॉक करके आप लोग जा सकते हो, पर हम लोग ज़रा लेजी हैं, थोड़े काम चोर हैं, तो इसलिए जो है हम बाइक पर जा रहे हैं। ओके ओ ओ ओके तो यार हम थोड़ा सा जो है ना नीचे आ गए, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। हो अभी भी यार काफ़ी खतरा है, ओह शुक्र है हम चढ़ गए। ये देख सकते हो इधर ये टॉवर भी है किसी चीज़ का, पता नहीं है किस चीज़ का, और काफ़ी जंपों के साथ और ये हम कितने गिरते हैं, बच गए पीछे नीचे नहीं देखना, हो काफ़ी खतरनाक जगह यार। अब मुझे लग रहा है कि गाड़ी होती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि गाड़ी के साथ गिरे तो ब्रेक वगैरह बंदा मार लेता है या कहीं पर गाड़ी लगती है थोड़ी आइस तो होती है तो बंदा छलांग मार सकता है, लेकिन बाइक से तो सारा नुकसान तकरीबन अपना ही होना। खैर चलो कोई नहीं, और ये आ गए हम अपनी जगह पर, और आइस का भी लेगी आइस का, वैसे भी इधर दो तीन लोग काफ़ी लोग आते रहते हैं यार इधर विजिट के लिए भी, बाइक का स्टैंड नहीं है तो इसलिए ये इस तरह हो गया। खैर अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना ये सारा जो घर है, पहले अंदर से और फिर ऊपर से भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये हमने बाइक किया यार अपने दोस्त से, सामने देख सकते हो व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है और आगे पानी भी है सारा, तो काफ़ी मज़ा आता है और सारे दोस्त वगैरह तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा एक ये है और इसको क्या कहते हैं मुझे इसका भी नाम नहीं याद आ रहा, उसके बाद ये स्नोकर के लिए है, और फिर अगर नीचे जाएं हम तो ये जनरेटर पड़ा क्योंकि इधर लाइट वगैरह का इशू है, लाइट नहीं होती तो इसी की मदद से आती है सारी सारी की सारी। और उसके अलावा ये रही अपना गेट, और जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले सीढ़ियाँ, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा जाता है हमारे कमरे को, देख सकते हैं इधर हम सोएंगे। और यहाँ पर अभी सारा मॉनिटर नहीं है, एलसीडी नहीं है, सीपीयू है अभी, वैसे ही अभी हमने अपना पूरा मतलब नहीं लिया, हमने अभी उनको नहीं कहा कि यार हमें अभी सारा चाहिए, मतलब दोस्त असल में ये इधर उसने रखा हुआ था टूरिस्ट वगैरह के लिए, तो अभी हमने किसी जो लोग थे पहले से इधर उनको अभी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो ठीक है यार जब तक हो इधर रहो कोई मसला नहीं है। खैर और यार यहाँ से जो व्यू है वो देख सकते हो आप लोग, क्या अमेजिंग व्यू है यार सीरियसली, यहाँ से खड़े होकर व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके अलावा नीचे वाले पोर्शन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हो ये रहा अपना वॉशरूम, मैंने दिखाया ही भूल गया, ये अपना वॉशरूम, यहाँ पर भी एक शीशा लगा है और पानी वगैरह आ जाता है, यही शुक्र है पानी आ जाता है इधर, और जो लाइट्स वगैरह हैं वो तो फिर उसी जनरेटर की मदद से ही चलती हैं। और यार किधर आ गया हूँ, यहाँ से नीचे जाना है, देखिए नीचे कैसे जाऊँगा, सामने दरवाज़ा आ गया,
ये तो यार सिस्टम इन्होंने गलत रखा हुआ है, मतलब नीचे कैसे जाएगा बंदा। यार अब देखो क्या है, हम तो बड़े ही चार पांच लोग हैं, हम तो यहाँ से ही चले जाएंगे। और ये गए पानी के अंदर, और पानी से क्योंकि वैसे भी हमने नहाना था इसलिए मैंने शर्ट भी चेंज की थी वहां से। खैर तो ये पानी के लिए आई थिंक, ये पता नहीं किस चीज के लिए, इसका मुझे नहीं पता। ओके तो अब नीचे का जो पोर्शन है वो दिखा देता हूँ। पहले हम सीधे सीढ़ियों के ऊपर चढ़े हैं, लेकिन ये देख सकते हो नीचे ये है, यहाँ पर ये किचन हमारा, ये देख सकते हो ये सारा किचन है हमारा, ये फ्रिज, और ये वैसे खाने के लिए जगह रखी हुई है, बेंच पड़ा है। और उसके अलावा यहाँ से हम निकले तो ये सामने भी एक बेंच पड़ा है, और इधर और कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक सोफा पड़ा है, और सामने व्यू, वहाँ पर एक किश्ती है, काफ़ी और काफ़ी एक प्यारा लग रहा है मुझे तो। अबे यार इस साइड पे इतना दिखा रहा हूँ, पहले आप लोगों को फिर ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये वैसे रेस्ट वगैरह के लिए रखा है, और वो सामने बेंच पड़ा है, और यहाँ पर ये बच्चों के नहाने के लिए भी रखा हुआ है स्विमिंग पूल सा छोटा सा। बाकी आप थोड़ा सा इसके अंदर हम करते हैं, देख सकते हो पानी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इधर बच्चे तो नहा नहीं सकते, इसलिए बच्चों के लिए वो जगह रखी हुई है। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, तो यहाँ से अब हम पिक्चर नहीं ले सकते, सॉरी ये कोई बात नहीं। तो ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यार ये देख सकते हो ऊपर से भी काफ़ी प्यारा व्यू आता है। यहाँ से देख सकते हो सारा सामने पानी है, और सामने वो तरह वो घर जो है अपना सा, ये देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए यार बस फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। लेकिन अल्लाह हाफिज से पहले एक बात सुन लो, कमेंट करके बताना कि 1 to 5 के ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं, और ये भी बताना है कि आगे भी ऐसी वीडियोस बनाया करूँ या नहीं। तो चलो यार फिर बस अल्लाह हाफिज।